गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, दिस इज़ अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. दिस इज़ वेरी फेमस लॉ. वाई? बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट लॉ विच इज़ गिवन बाय द जर्मन इकोनॉमिक्स गॉसिन, एंड दिस लॉ इज़ रिगार्डिंग द लॉ ऑफ कंजम्पशन. क्लियर? यर यू आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. बट वॉट डज दिस लॉ स्टेट्स? द लॉ स्टेट्स द स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन इंक्रीज. येस, वेन योर कंजम्पशन ऑफ द गुड इज इंक्रीजिंग, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम इट इज डिक्रीज्ड. क्लियर? मैनी एग्जाम्पल्स आई हैव डिस्कस्ड विथ यू ऑल इन टू द जूम क्लासेस. क्लियर? ऑन टू दैट बेसिस दिस यू शुड राइट इट इन योर नोटबुक. दिस इज एन इंट्रोडक्शन पार्ट. देन कम्स योर एजम्पशंस. चिल्ड्रन, इन दिस लॉ देर आर सम एजम्पशंस है. इसके ये एजम्पशंस के बेस के ऊपर तुम्हारा लॉ बना हुआ है. इसका फर्स्ट एजम्पशन ये है कि ये कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है. ये जो मेजरमेंट है, इसके टर्म्स में हम लोग क्वांटिटी टर्म्स में इसको गिन सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. व्हेन यू आर काउंटिंग द यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स, इट इज़ कॉल्ड एज कार्डिनल मेजरमेंट. क्लियर? देन इट इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. द यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुड नॉट बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल. क्लियर? जो भी स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट है वो ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए. एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग ग्लास कितने कंज्यूम करते हैं वो गिन सकते हैं, लेकिन ड्रॉप ऑफ वाटर्स को हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते हैं. क्लियर? एंड नेक्स्ट, दिस लॉ सेज दैट इट इज़ अ कंटिन्यूस कंजम्पशन. वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग, इट हैज़ टू बी कंटिन्यूस यू ऑल आर यूजिंग द गुड्स. क्लियर? Then the fixed income and the prices, whatever the income is there, that has to be fixed. And marginal utility of rupees remains the constants, because our currency and of our country, the rupee is, value is given in the rupees. So we are considering the money or the rupee as a use of the price. Clear? Then now this is a table, children. This table is very important. You have to draw this table in your notebook. Because on this basis of table, you are showing these two relations and these three faces. This is a table. First, it is a used units consumed. How many units are consumed? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 units are consumed. Clear? And how much is your total utility? Your total utility is 10, 18, 24, 28, 30, 28, 24, 18. इट इज़ नॉट सच चिल्ड्रन. तुम लोग टोटल यूटिलिटी कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारे दिमाग के हिसाब से तुम लोग कोई भी नंबर्स ले सकते हो. इसे कंपलसरी नहीं है कि यही नंबर्स लेना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस बुक द नंबर्स विच आर द टोटल यूटिलिटीज विच आर गिवन इन यूटिल्स इज मैंशन एज 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28, 24 एंड 18. क्लियर? अब ये टोटल यूटी के बेस के ऊपर हमने मार्जिनल यूटिलिटी निकाला है. फर्स्ट यूटिलिटी जो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी वो 10 है. 18 और 10 का डिफरेंस जो है वो 8 है, क्योंकि अगर 18 को द डिफरेंस विच आर गेटिंग 18 माइनस 10 यू विल गेट 8, 24 माइनस 18 यू विल गेट 6, 28 माइनस 24 यू विल गेट 4, 30 माइनस 28 यू विल गेट 2, 30 माइनस 30 यू विल गेट 0, 30 माइनस 28 यू विल गेट माइनस 2, 28 माइनस 24 यू विल गेट माइनस 4, 24 माइनस 18 यू विल गेट 6. सो यू विल सी ना, अभी तुम देखोगे कि तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी वो डिक्रीज होते जा रहा है. क्लियर? तो ये फर्स्ट फेज है, ये यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा फर्स्ट फेज है. फर्स्ट फेज में ये बता रहे हैं कि जब तुम्हारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे 10 है, 18 है, 24, 28, 30, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, तो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है. समझ में आया ये फर्स्ट फेज? उसके बाद ये सेकेंड फेज है, 30, 30, ये कॉन्स्टेंट है. जब तुम्हारा टोटल यूटिलिटी ये कॉन्स्टेंट पे है, तो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ज़ीरो पे भी दिखा रहा है कि तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है. और जब ये तुम्हारा टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होते होते 24, 18 पे आ गया है, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जा रहा है, माइनस 2, माइनस 4 और माइनस 6. तो ये थर्ड फेज़ है, जब तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जा रहा है. तो यही टेबल को उन्होंने ग्राफ फॉर्म में बताया है, तो तुमको ये ग्राफ भी तुम्हारे नोटबुक में कंपलसरी बनाना है. क्लियर? एक्स एक्सिस पे तुम लोग यूनिट्स कंज्यूम लिखोगे और वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी लिखोगे. वन के ऊपर जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 के ऊपर मार्क करोगे, टू के ऊपर 18 है तो 18 को फिर मार्क करोगे, फिर थ्री के ऊपर तुम्हारा 24 है तो 24 के ऊपर मार्क करोगे, और फिर 4 के ऊपर 28 है तो 28 के ऊपर मार्क करोगे, फाइव के ऊपर 30 है तो 30 के ऊपर मार्क करोगे,
तो तुमको ये कर्व मिलेगा। ये तुम्हारा फर्स्ट फेज का फर्स्ट डायग्राम हो जाएगा। इसके ही बेस के ऊपर ये तुम्हारा सेकेंड डायग्राम बनेगा। इसी में भी तुमको ये दिखाना है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट कंज्यूम और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे दिखाना है इस टाइप पे। तो ये सेकेंड फेज में तुम लोग को दिखाना है कि जब तुम्हारा टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट और फिक्स्ड है तब तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो पे आया है। देखो यहाँ पे ये पूरी जो ये लाइन है ये यहाँ पे जो टच हो रही है यहाँ पे पूरा ये टच होके दिखाना है। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ज़ीरो पे आ गया है। ये ज़ीरो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ज़ीरो पे दिखाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक जब नीचे जा रहा है ये -2, -6 और -4 के ऊपर, तो ये जब नीचे की तरफ जा रहा है तो ये मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग हो रहा है। तो ये टेबल के थ्रू ये प्रूफ हो गया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज सक्सेस इन अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू।